हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के लेसन नंबर 2 हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन के एक्सरसाइज करने वाले हैं। सो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ये है लेसन नंबर 2 हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट। यहाँ पे हमको स्टेटमेंट दिया गया है, उसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे हमको ऑप्शन दिया गया। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, डैश वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ऑप्शन में दिया गया अलेक्जेंडर कनिंगहैम, विलियम जॉन्स, जॉन मार्शल एंड फ्रेडरिक मैक्स मुलर। तो इसका आंसर आएगा अलेक्जेंडर कनिंगहैम। अलेक्जेंडर कनिंगहैम वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया, डैश ट्रांसलेटेड द संस्कृत टेक्स्ट ऑफ हितोपदेश इन जर्मन लैंग्वेज। ऑप्शन है जेम्स मिल, फ्रेडरिक मैक्स मुलर, माउंट स्टुअर्ट, एल्फेस्टन एंड सर जॉन मार्शल। तो इसका आंसर आएगा फ्रेडरिक मैक्स मुलर। फ्रेडरिक मैक्स मुलर ट्रांसलेटेड द संस्कृत टेक्स्ट ऑफ हितोपदेश इन जर्मन लैंग्वेज। बी में दिया गया, आइडेंटिफाई एंड राइट द रॉन्ग पेयर्स इन द फॉलोइंग सेट। तो क्या दिया गया फर्स्ट में, शुद्राज सबल्टन हिस्ट्री, स्त्री पुरुष तुलना, फेमिनिस्ट राइटिंग, द इंडियन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री एंड ग्रांड ऑफ कॉलोनियल हिस्ट्री। तो इसके रॉन्ग पेयर में क्या जाएगा, द इंडियन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, और करेक्ट पेयर में आएगा द इंडियन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857, नेशनलिस्ट हिस्ट्री। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद द रीजन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, राइटिंग ऑफ द रीजनल हिस्ट्री रिसीव्ड अ मोमेंटम। इसके फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है, इंडियन हिस्टोरियंस ट्रेंड इन द ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम सॉड एन इंक्लिनेशन टू रिस्टोर द सेल्फ स्टीम ऑफ इंडियंस, दे स्टार्टेड राइटिंग नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी। सेकेंड पॉइंट है, हिस्टोरियंस फ्रॉम द डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया क्रिटिसाइज द प्रीजुडिस्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया रिटन बाय द ब्रिटिश ऑफिसर्स। थर्ड पॉइंट है, द अटेंशन वॉज ड्रॉन टूवर्ड्स द जियोग्राफिक कंडीशन एंड हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। फोर्थ पॉइंट है, द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी हैड बीन द ट्रिगरिंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, इट प्रोवाइडेड अ मोमेंटम टू द राइटिंग ऑफ द रीजनल हिस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल नेशनलिस्टिक राइटिंग इन महाराष्ट्र वेयर इंस्पायर्ड बाय विष्णु शास्त्री चिपलूनकर, hence writing of the regional history received momentum. Second question में क्या दिया गया, बखर इज एन इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ द हिस्टोरिकल documents. इसमें भी 4 पॉइंट दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट है, बखर्स आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री लाइक कॉइन्स, inscriptions, टेक्स्ट, कॉपर प्लेट्स एंड ट्रेवलर। सेकेंड पॉइंट है, बखर कंटेंस eulogies ऑफ द heroes, हिस्टोरिक इवेंट, स्टोरीज ऑफ lives ऑफ अ ग्रेट मैन एंड descriptions ऑफ बैटल, इट पोर्ट्रेस अ पिक्चर ऑफ प्रीवलेंट सोसाइटी, रिलीजन्स एंड इकोनॉमिक लाइफ। थर्ड है, बखर्स आर द वेरियस टाइप्स व्हिच कंटेंस बायोग्राफिक्स ऑफ किंग्स, डायनेस्टिक हिस्ट्री, डिस्क्रिप्शंस ऑफ इवेंट्स, सेक्स, ऑटोबायोग्राफीज, माइथोलॉजीज, एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ किंग्स एटसेट्रा। फोर्थ पॉइंट है, दिस डिस्क्रिप्शंस आर हेल्पफुल फॉर राइटिंग हिस्टोरियोग्राफी अमंग वेल नोन मराठी बखर्स, सभासद बखर्स रिटन बाय कृष्णाजी आनंद सभासद रिक्वायर्ड अ स्पेशल मेंशन, भाऊ साहिबांची बखर एंड पानीपतची बखर डिस्क्राइब द बैटल ऑफ पानीपत, हेंस बखर्स आर इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया, राइट डिटेल्ड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल्स। उसमें फर्स्ट है, व्हाट इज अ मार्क्सिस्ट हिस्ट्री। फर्स्ट पॉइंट में क्या है, इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा न्यू ट्रेंड्स इमर्ज इन राइटिंग इंडियन हिस्टोरियोग्राफी, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी इज अ प्रोमिनेंट अमॉन्ग देम। सेकेंड पॉइंट में दिया गया है, हिस्टोरियोग्राफी विच इज अ बेस्ड ऑन आइडियाज ऑफ कार्ल मार्क्स इज नोन एज द मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, इन मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी मोर इम्पोर्टेंस वॉज गिवन टू क्लास स्ट्रगल। थर्ड पॉइंट दिया गया, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी रिफ्लेक्ट्स कंसर्न फॉर मीन्स एंड मोड्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज द इंडस्ट्रियल रिलेशंस, दिस बिकम सेंटर ऑफ राइटिंग ऑफ अ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस। फोर्थ पॉइंट है, हाउ एवरी सोशल इवेंट्स इफेक्ट्स द लाइफ ऑफ पीपल वॉज एनालाइज्ड एंड इट बिकेम द थीम ऑफ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस,
Marxist historians studied the transitions that took place in the caste system. Fifth point में दिया गया है, notable Indian historians who adopted Marxist ideology were Damodar Kosambi, Comrade Sripad Dange, Sarat Patil and Ram Charan Sharma. Sixth point में दिया गया है, their writing reflected Marxist ideology. Comrade Dange was the founder member of the Indian Communist Party. सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इतिहासाचार्य वी के रजवाड़े टू हिस्टोरियोग्राफी. इसमें सिक्स पॉइंट दिया गया है. फर्स्ट पॉइंट में है, वी के रजवाड़े इज वेल नोन फॉर हिज राइटिंग इन मराठी ऑन सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक्स, इटिमोलॉजी एंड ग्रामर. हिज कंट्रीब्यूशंस आर एज फॉलोज. सेकेंड पॉइंट है, ही कंपाइल्ड एंड एडिटेड 22 वॉल्यूम्स ऑफ द मराठियाच्या इतिहासाची साधने. थर्ड है, ही स्टेटेड that history is the all-inclusive image of the past society. Fourth, V.K. Rajwade was of the view that history does not include only the stories of political images, conspiracies and wars of seizing power. Fifth point, he was of the firm opinion that we should write our own history and insisted that history should be written only using the authentic sources. Sixth point, he was of the opinion that descriptions of any human events in historiography should have a balanced combination of three factors, namely time, space and personalities. Fourth में दिया गया है, complete the following chart. यहाँ पे देखो, ये जो है James Mill, James Grant Duff, S.A. Dange, ये सब historians थे, history लिखने वाले थे और ये इन्होंने books लिखी है. तो James Mill ने क्या लिखा है, the history of British India. जेम्स ग्रांट डफ ने क्या लिखा है, इन्होंने क्या लिखा है, अ हिस्ट्री ऑफ मराठास. द हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये किसने लिखा, इसको लिखा है माउंट स्टुअर्ट एल्फिस्टन ने. एस.ए. डांगे ने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी. फिर हु वेयर द शूद्रास किसने लिखा, इसको लिखा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने. बी में दिया गया कंप्लीट द फॉलोइंग कंसेप्ट चार्ट. तो यहाँ पे ये देखिए, ये चार्ट में हमको फिल करना है, यहाँ पे हमको इसके हिसाब से भरना पड़ेगा. देखो, पर्पस ऑफ हिस्टोरियोग्राफी को किसने लिखा, जियाउद्दीन बरनी ने. कौन से बुक में लिखा है, तारीख है फिरूज. फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ बैटल फाउड बाय बाबर, ये वाला है. अब इसको किसने लिखा, एम्परर बाबर ने लिखा है. और कौन सा बुक है, तुजुक है बाबरी. द राइन ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, इसको किसने लिखा था, कृष्णा जी अनंत सभासद ने. बुक का नाम क्या है, सभासद बखर. हिस्ट्री ऑफ कश्मीर किसने लिखा था, कल्लण ने. कौन से बुक में, राजतरंगिणी ने. जो रेड कलर का है वो आपको इसमें फील करना है. फिफ्थ क्वेश्चन में दिया गया है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स. पहला है ओरिएंटलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी. इसमें फोर ऑप्शन दिया गया है. इसमें फर्स्ट है, इन द लेटर पार्ट ऑफ द 18th सेंचुरी मेनी यूरोपियंस स्कॉलर्स फेल्ट क्यूरियस टू नो अबाउट द सिविलाइजेशन एंड कंट्रीज ऑफ द ईस्ट. सेकेंड पॉइंट है, दिस स्कॉलर्स हु स्टडीड द इंडियन सिविलाइजेशन हैड रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन फॉर इट, दे वेयर नोन एज द ओरिएंटलिस्ट. थर्ड है, दे स्टडीड सिमिलरिटीज बिटवीन संस्कृत एंड सम ऑफ द यूरोपियन लैंग्वेजेस, फोकसिंग मोर ऑन वैदिक ट्रेडिशंस एंड संस्कृत लिटरेचर. इट रिजल्टेड इन द नोशन दैट एन एंशियंट लैंग्वेज कुड बी द मदर ऑफ ऑल इंडो यूरोपियंस लैंग्वेजेस. फोर्थ है, नोटेबल ओरिएंटलिस्टिक स्कॉलर्स आर फेडरिक मैक्स मूलर एंड विलियम जोन्स. सेकेंड है, नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी. इसमें भी फोर पॉइंट है. फर्स्ट है, इंग्लिश एजुकेशन स्टार्टेड इन इंडिया इन 19th सेंचुरी. द इंडियन हिस्टोरियंस हु वेयर ट्रेंड इन इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम रियलाइज्ड द ग्लोरी ऑफ देयर पास्ट. सेकेंड है, दे शोड एन इंक्लिनेशन टू रिस्टोर द प्राइड इन द एंशियंट ग्लोरी ऑफ इंडिया एंड द सेल्फ एस्टीम ऑफ द इंडियन रीडर्स. दे लेड द फाउंडेशन ऑफ नेशनलिस्टिक राइटिंग. नेशनलिस्टिक राइटिंग इन महाराष्ट्र वेयर इंस्पायर्ड बाय विष्णु शास्त्री चिपलूनकर. थर्ड पॉइंट है, नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस अपोज्ड द प्रीजुडिस्ड हिस्ट्री रिटन बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स. महादेव गोविंद रांडे, विनायक दामोदर सावरकर, रमेश चंद्र मजूमदार आर रीनोन नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस. फोर्थ पॉइंट है, नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी इंस्पायर्ड फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एंड गेव मोमेंटम टू राइट अबाउट रीजनल हिस्ट्री.
While glorifying the past at times, they are blamed for ignoring to critically analyze the truth. थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है सबल्टर्न हिस्ट्री. इसके भी आंसर में 4 पॉइंट दिया गया है. हिस्ट्री ऑफ द डिप्रीव्ड क्लासेस और कम्युनिटीज हु वेयर डिप्रीव्ड ऑफ ऑल राइट्स इज नोन एज द सबल्टर्न हिस्ट्री. सेकेंड पॉइंट दिया गया है द सीड्स ऑफ सबल्टर्न हिस्ट्री कैन बी ट्रेस्ड इन द मार्क्सिस्ट हिस्ट्री. इटालियन हिस्टोरियन एंटोनियो ग्राम्ची हैज स्पेशल इंपॉर्टेंस इन राइटिंग द सबल्टर्न हिस्ट्री. He presented the idea that history should be written starting from the bottommost rank of people in the society. Third point is Ranjit Guha, an Indian historian, has given prominence to subaltern history and played a major role in the establishing it as an important academic school of historiography. Fourth point is similar thoughts were expressed by the Mahatma Phule and Dr. Babasaheb Ambedkar, which can be found in their writings. सो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए.